सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आज इस वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय स्थित विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगण में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार, प्रभाकर झा, संतोष कुमार गुप्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद मंजूर आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किए। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने के लिए नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के निर्देशानुसार 8 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया है। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के परिसर में पूर्व से ही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की पूरी तैयारी चल रही थी और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पक्षकार भाग ले रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रतिवर्ष विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2022 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित किया जा रहा है। बिहार शरीफ न्याय मंडल के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय एवं हिलसा अनुमंडलीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। वादों का निपटारा करने के लिए सभी बैंक के कर्मी स्टॉल लगाकर सुलह के आधार पर न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में मामलों का निपटारा कर सकेंगे। आपको बताते चले कि लंबे समय तक पक्षकार अपने धन और समय की बर्बादी कर न्यायालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय के चक्कर लगाने से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाएगा। उद्घाटन के क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार, प्रभाकर झा, संतोष कुमार गुप्ता, सीजीएम देवप्रिय कुमार, जेजेबी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष रंजन, एसडीजेएम सुनील कुमार, मुंसिफ अविनाश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोवित सौरभ, प्रतीक सागर, शिवम कुमार, कनिका यादव, मुस्कान कुमारी, अनामिका कुमारी, अर्चना कुमारी एवं नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश यादव मौजूद रहे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।